डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। किस तरीके से वेव फ्रंट को डिवाइड करके इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, इस चीज़ को बताया ही यंग नामक साइंटिस्ट ने, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसकी मदद से। ठीक है, तो पहले तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एस एक स्लिट है। स्लिट मतलब होता है एक बहुत पतली सी ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाला, जिसका सिर्फ एक ही वेवलेंथ होता है। ठीक, क्योंकि हमको यहाँ पे स्पेक्ट्रम नहीं देखना है, इंटरफ्रेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि इंटेंसिटी देखना चाह रहे हैं, इंटेंसिटी का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, जो कि अक्सर सोडियम को लिया जाता है, सोडियम बल्ब को। तो इसके आगे ये लगा हुआ है आपका एस, एक पतला सा ओपनिंग, उसमें से लाइट रेज आ रही है। और ये जो ड्रॉ किया हुआ है, इसमें से जो सॉलिड लाइन है वो क्रेस्ट है, और जो डॉटेड वाली लाइन है वो ट्रफ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे दो स्लिट S1 और S2 रखे गए हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि ये S के साथ लाइन में नहीं है, बल्कि S से ऊपर है S1, और S2 जो है वो S से नीचे है, जबकि SS1 और SS2 जो है वो बराबर होना चाहिए। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm का होना चाहिए। आगे रखा हुआ है, हम इसको स्क्रीन कह सकते हैं। बेसिकली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर वो स्क्रीन आपका वॉल भी हो सकता है, दीवार पर भी हमको इंटरफ्रेंस मिल सकता है, इंटरफ्रेंस पैटर्न दिख सकता है, या फिर एक पर्दा जैसा कुछ लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, या हम उसको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, उसके आगे आईपीस अगर लगा हुआ है तो जब यंग ने ऐसा ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये पाया कि ऑब्जर्वेशन में उनको क्या मिला कि अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जब हम कह रहे हैं सिंपली लाइंस हैं, ऐसे ब्राइट चमकीली लाइन और डार्क यानी कि डार्क लाइन, मान लीजिए ये ब्लैक ये वाइट, ऐसे इसे कहते हैं फ्रिंजेस, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट सोर्स आपका है येलो सोर्स, सोडियम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो उसमें येलो दिखेगा और बीच बीच में थोड़ी डार्क येलो या ब्लैक सी लाइंस दिखेंगी, तो वो अल्टरनेट फ्रिंजेस कहलाती हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको मिलेंगी। एक पॉइंट P0 यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि S1 P0 और S2 P0 बिल्कुल बराबर है। ठीक है, रीज़न इसका और बताएंगे हम जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में हमने स्टडी की है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि डिस्टेंस जो है दो ब्राइट और दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में वो बिल्कुल सेम है। और चौथे जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी वो ये थी कि इंटेंसिटी जो है हर एक ब्राइट फ्रिंज की, हर एक चमकीली वाली जो फ्रिंज है, चमकीली वाली जो लाइन है, उसकी इंटेंसिटी सारे चमकीले लाइन का सेम है और सारे डार्क वाले लाइन का सेम है। ये ऑब्जर्वेशंस मिले। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, इसमें जब ये स्लिट पार करके आगे जा रहा है तो इंटरफ्रेंस को कैसे शो किया गया है, ये डार्क डार्क या क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहा है, उस लाइन को हमने जोड़ दिया है, तो ये पी जो है ये चमकीला वाला बन गया। अब इसके बाद अगला क्या है, एक डॉटेड और एक सॉलिड लाइन ऐसे जुड़ा है, तो ये एक डॉटेड एक सॉलिड लाइन, आगे भी एक डॉटेड एक सॉलिड लाइन, तो डार्क फ्रिंज डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से हमको अल्टरनेट फ्रिंज मिलते जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया हाइगन ने, अपने वेव थ्योरी से इसका एक्सप्लेनेशन दिया। वेव ऑप्टिक्स की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हाइगन्स थ्योरी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइगन के थ्योरी के बगैर कोई भी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। हाइगन ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि एक वेव फ्रंट असल में ओरिजिनेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है एस में, एस जो पहला वाला सोर्स था वहाँ पर एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे ही वो S1 S2 में पहुँच रहा है तो वो S1 S2 जो हैं वो सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स बन जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ S में आपका एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है, जैसे ही वो S1 S2 में पहुँचता है, ये यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, तो ये अपने आप में एक नए सोर्स का काम करने लग जाते हैं, तो यहाँ से फिर से वेव फ्रंट्स जनरेट होने लग जाते हैं। तो ये वेव फ्रंट्स जो जनरेट हो रहे हैं, अब ये सुपरपोज होना शुरू होते हैं या अध्यारोपित होने लग जाते हैं और इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं।
वो पॉइंट जहाँ पे दो क्रेस्ट या दो ट्रफ जैसा हमने डायग्राम में बताया वो मिल रहे हैं, वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगी और इसलिए वहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। जबकि वो पॉइंट्स जहाँ पे एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिल रहे हैं वहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी हमको मिलेगी। जो लाइन ज्वाइन कर रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटीज़ वाले को, जो हमने ड्रॉ करके आपको बताया P0, P1, P1 डैश है, यहाँ पर ये जो था ना आपका P0, P1, P1 डैश, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ पे दो ट्रफ दो क्रेस्ट ऐसे मिल रहे हैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगा, वैसे ही मिनिमम इंटेंसिटी पे डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे और ये कहलाता है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। P0 पॉइंट जो था सबसे सेंटर, जो हमने कहा था कि इसको हम बताएंगे, तो ये पॉइंट जो है इसमें सबसे चमकीली फ्रिंज मिलेगी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली। क्यों? क्योंकि S1P0 और S2P0 बराबर था, यानी दोनों के बीच में कोई भी पाथ का डिफरेंस नहीं था। जो लाइट रे ट्रैवल कर रही है यहाँ से S1 से और S2 से, ये P0 यहाँ कहीं पे पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में लाइट रे उतना ही पाथ ट्रैवल करेगी S1 से P0 तक जाने में जितना S2 से P0 तक जाने में करे। तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो गया, मतलब कंडीशन से हमको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के कि वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये फ्रिंज आपका कहलाता है सेंट्रल फ्रिंज, या हम इसे कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर का फ्रिंज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यंग्स एक्सपेरिमेंट में, आगे हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।